नमस्कार, मैं अनुराधा शर्मा इन्फो बग पर आपके सामने सुबह की ताजा खबरें लेकर हाजिर हूँ। साजिश बॉर्डर पर तीन दिन से मंडरा रहा ड्रोन, बीएसएफ पुलिस और खुफिया एजेंसी अलर्ट। अमेरिका कमला हैरिस की आय बढ़ी। राष्ट्रपति बाइडेन दंपति ने भरा रिटर्न। रूस और चीन की नजदीकियां, दोनों देश आज अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना की करेंगे शुरुआत। जम्मू कश्मीर एलओसी पर अब 60 फुट ऊंचे तिरंगे के साथ कॉफी का भी उठाएंगे लुफ्त। कराची पाकिस्तान में भी ताउते का असर, आंधी में 4 लोगों की मौत। इसराइल हमास युद्ध, विराम की अपील के बाद भी गाजा में आतंकी ठिकाने पर भीषण हमले। 18 महीने में जीमेल से हट जाएगा डाटा। एंड्रॉयड 12 में फोन एव ऐप के रंग बदल सकेंगे। लगातार तीसरे दिन संक्रमितों के आंकड़ा 3 लाख से कम, 3,912 लोगों ने गवाई अपनी जान। कोरोना का बढ़ता कहर, 100 में से 20 बच्चों के संक्रमण का खतरा, कर्नाटक दिल्ली ने भी किया सचेत। दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र और नेपाल में आए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.8 सही प्रतिवर्ता। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। मेंढर कोविड केयर सेंटर में 2 कोरोना संक्रमित फरार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की मांग। लापरवाही, कोरोना के साथ ब्लैक फंगस, 1 साल से सरकार ने नहीं दिया ध्यान। कोरोना संक्रमण प्लाज्मा लेने वालों को 3 महीने से पहले ही वैक्सीन नहीं। दिल्ली एनसीसीआर ने ताउते का असर, एक दशक में सबसे पहला काम रहा अधिकतम तापमान, बूंदा बूंदी से मौसम सुहाना। और ये थी आज की बड़ी खबरें, बने रहिए इन्फोबग के साथ।